पंचायत एक नई सीरीज के एक नए एपिसोड में आपने किरदार देखा होगा जगमोहन, जो अपने नाम के साथ साथ अपने काम को अपने किरदार को लेकर चारों तरफ सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनका असल में नाम है विशाल यादव। विशाल यादव को सीरीज पंचायत में अपने काम के लिए काफी खूब सराहना मिल रही है। उनके मीम्स बन रहे हैं, मोटिवेशनल मैसेज वायरल हो रहे हैं और अपने इस सफलता से बहुत खुश हैं, क्योंकि इतना लंबा सफर तय किया उन्होंने और हमेशा उनके चाहने वाले पूछते थे आखिर कब अपने मर्जी का ऐसा कोई किरदार मिले जो मुस्कुराहट के साथ विशाल अपने विशाल हृदय से बयां कर सके। आज विशाल की चारों तरफ चर्चा हो रही है। जगमोहन, जग के मोहन बन चुके हैं, यानी दुनिया के मन में एक अलग मोह पैदा कर दिए हैं। भले उस पंचायत में उस तीन से ज्यादा कि वो अपने ग्रैंड मदर के साथ कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना को पाने के लिए जदोजहद दादी के प्लान के साथ रहते हैं, लेकिन एक इंसानियत और एक बेटे का जो अंदर दर्द होता है आखिरी में वो टूट जाता है और अपने ममता के आगे उसने सारे प्लान त्याग सब छोड़कर बस ममता में लिपटना चाहता है। विशाल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार, बहुत प्यार जी। सबसे पहला सवाल तो यही, बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी टीम से, पंचायत वन हो, टू हो, थ्री तो और कमाल की रही। वाकई में इस रोल के बारे में आप बताएं और खास करके उस सीन के बारे में हमारे दर्शकों को जरूर बताएं, इसे निभाने में कितनी मुश्किलें का सामना करना पड़ा, क्योंकि जितना खूबसूरत ये सीन दिखा, जितना आपको दिखा क्राफ्ट पे आपने काम किया, उतना आसान तो नहीं है जो सिनेमा को जानते हैं समझते हैं। मुझे बड़ा मजा आया क्योंकि वो किरदार मेरे से बिल्कुल अलग है। मैं अभी जैसे जीता हूँ रहता हूँ एज एक्टर, मेरे आप देख भी रहे होंगे, मैं वैसे रियल लाइफ में नहीं हूँ, लेकिन एक एक्टर का काम होता है कि अपने ऑब्जर्वेशन से चीजों को रखता है वो, कि जब जैसा किरदार आए उसको बनाए, करेक्टराइजेशन करे, चीजों को करे और अपने से बिल्कुल अलग करे। तो मैं बिल्कुल पूरी तरह से कोशिश कर रहा था वो कि जिस समाज का वो किरदार है, हमारे समाज के निचले तबके का किरदार है वो जगमोहन, उसको रिप्रेजेंट करता है। ऐसे हमारे भारत में बहुत सारे परिवार हैं जो मजदूर वर्ग है और अगर वो मेहनत करता है तो दो जोन की रोटी खाता है और अपने घर वालों को खिलाता है, वहां से वो आता है। तो उस किरदार को करने के लिए हमारी बैक मेमोरी जो है, जो बचपन की, जहाँ मैं आरा बिहार का रहने वाला हूँ, तो कुछ कुछ सुनी बातें, कुछ देखी बातें, सब कुछ बनाकर और अपना प्योर सोल डालकर उस किरदार को हमने तैयार किया। और उस किरदार में सबसे पहले अहम बात यह है कि मैंने सोल को सबसे आगे रखा उस किरदार को, कि मेरी आंखें, मेरी भाव भंगिमा से पता चल जाए कि ये कितना दुख में है, कितना द्वंद में है, कितना उसको वो हो रहा है, क्योंकि दादी जो है, दादी का बात भी नहीं टाल सकता वो, क्योंकि अम्मा से बहुत प्यार करता है और समाज की उतनी वो भी है कि भाई घर भी चाहिए, बाल बच्चे हैं, उसकी बीवी एक बच्चा है और एक कमरा में रह रहा है, उसकी वो भी दिक्कत है कि बड़ा घर भी मिल जाए लेकिन गलत तरीके से ना मिले, ये भी है, चाहत भी है लेकिन मिल जाए, लेकिन दादी के प्रेशर में कर रहा है, तो द्वंद भी है, उसकी अपनी लाइफ जीने की स्ट्रगल भी है, खाने पीने का जो चीज है उसमें भी, वो एक टाइम काम करेगा उसमें आपने ध्यान दिया होगा, तो एक जगह जगमोहन बोलता है ये देख रहे हैं भुटकुन भाई, कमाने वाला एगो है और खाने वाला चार गो, कमाते कमाते कमर टूट गया और इनको खांची भर खाना है, जो वो बोलता है, इम्प्रोवाइज करना है, करता है वो। तो वो किरदार जो है मेरे लिए इतना मजा आया, जब मेरे पास स्क्रिप्ट आया था तो लगा कि इसमें है जो चीजें की जा सकती, जो मेरे से बिल्कुल अलग। वही मेरे सवाल उस पे अगला होता, लेकिन मैं उससे पहले एक चीज समझना चाहूंगा, जब आप सेट पे किरदार प्ले कर रहे थे, जब ये शूट हो रहा था, बैक स्क्रीन स्क्रीन क्या बातचीत हो रही थी, आपकी माइंडसेट में क्या चल रहा था, कैसे आप इन चीजों को पिरो के समेट के इतनी बारीकी से सब कुछ आपने छुआ और आपने पर्दे पर उतार दिया? जी, जब हमारे पास स्क्रिप्ट आई थी और स्क्रिप्ट इतनी उम्दा है, चंदन कुमार सर का लिखा हुआ है और चंदन कुमार सर मुझे लगता है अभी तक वन ऑफ द बेस्ट राइटर हैं वो, उनकी राइटिंग इतनी कमाल की है कि जब मैं स्क्रिप्ट आया तो मुझे प्रसव पीड़ा होने लगा, जब मैं सेलेक्ट हो गया तो प्रसव पीड़ा होने लगा कि इस पीड़ा से कब निजात पाऊं, इसको कब परफॉर्म करूं, वो स्थिति हो गई।
जैसे कि आप समझ सकते हैं कि मैं किरदार जब तैयार कर चुका था, स्क्रिप्ट इतना मोटिवेट हो चुका था कि मुझे ये परफॉर्म करना है, जगमोहन को पोर्ट्रे करना है, तो किरदार तो तैयारी अपने एक्टर वाले दिमाग से कर ही रहा था, अपने क्राफ्ट से कर ही रहा था, लेकिन वो स्क्रिप्ट ने मुझे इतना बेचैन किया उसको डिलीवर करने के लिए कि जैसे एक गर्भवती महिला हो उसको डिलीवर करने में जितना वो है पेन होता, वैसे मुझे कष्ट हो रहा था, रातों में नींद नहीं आ रही थी शूट के दौरान कि कब मैं जाकर ये परफॉर्म करूँ, कब ये लाइन बोलू, वो स्थिति चल रही थी। और ये चंदर सर का कमाल है, मुझे इतना मोटिवेट कर पा रहे थे एज एक्टर। विशाल भाई इतना कहना बहुत तो आसान है, आप तो जानते होंगे कितना इस पे आपने मेहनत किया होगा, कितने रातें आपने गवाई होगी, क्योंकि एक दो सीजन जितना सक्सेसफुल रहा है उस सीरीज का हिस्सा होना और एक किरदार को बखूबी निभाना, इसपे तो और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और खास तौर पे जब आपके कोई स्टार इतने मजे हुए हो, चाहे आप सचिव जी को देखिए, उनकी और भी सीरीज की बात की जाए, कितने कमाल के कोटा फैक्ट्रीज लेके बाकी जगहों पे उन्होंने कमाल किया। क्या चलता है, क्या बातचीत होती है सेट पे जब इस तरीके से किरदार निभाते हैं, क्या आपस में को स्टार से क्या बातचीत उस समय चल रही थी, क्योंकि दो सीजन आपके बहुत हिट रहे, तीसरे और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जी जी उसमें मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात थी कि सभी स्टार हैं उसमें, लेकिन रघु सर, रघुवीर यादव सर, बचपन का है सपना रहा कि कान में रघुवीर यादव, मनोज बाजपेयी, ऐसे में मेरे कानों में सबसे ज्यादा मनोज बाजपेयी पड़ता था जब मैं आरा होम टाउन में था, क्योंकि मैं एक्टर बनना ही चाहता था, स्कूल टाइम से ही थिएटर करना शुरू कर चुका था, वहाँ प्रोफेशनल वर्कशॉप कर रहा था, चीजें कर रहा था, मंडी हाउस आया, तो जब मैं आरा में था तो मेरे कानों में डाला जा रहा था कि तुम्हें मंडी हाउस जाना है, क्योंकि बिहार का एक एक्टर है जो मंडी हाउस गया था और उसने वहां थिएटर किया और फिर मुंबई में नाम कमाया और बहुत बड़ा एक्टर बना, मनोज वाजपेयी। होम टाउन में बहुत सारे मंडी हाउस रिटर्न एक्टर थे जो मंडी हाउस में थिएटर किया और फिर होम टाउन आ गए और नौकरी पेशा करने लगे, तो वो लोग मेरे कानों में डालते थे। मैं बाल अवस्था में मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि कौन मनोज वाजपेयी, क्या मंडी हाउस, मैं थिएटर कर रहा था, उन लोगों के साथ चीजें सीख रहा था, तो बार बार मेरे कानों में यही जा रहा था कि मनोज वाजपेयी एक एक्टर है जो मंडी हाउस में बड़ा नाम करता था, बड़ा अच्छा करता था ऐसे, और वो फिर फिल्मी दुनिया, फिर उन लोगों ने उनकी सारी फिल्में मुझे रिकमेंड किया और मैं उनकी तमाम फिल्में देखना शुरू किया 6-7 क्लास में, 5 के बाद ही। तो जब मैं उनको सुनने लगा, उनकी चार्जें सुनी, तो वो रघुवीर यादव को ज्यादा वो एडमायर कर रहे थे कि रघुवीर यादव सर उनके एडमायरर रहे। अब उनके साथ मुझे पंचायत में काम करना था और वो भी पहला ही सीन, पहला दिन मुझे रघुवीर यादव सर के साथ करना था, तो मेरे लिए तो ड्रीम कम ट्रू वाली बात थी कि जिस इंसान को मैं ढूंढ रहा हूँ, जिसके साथ काम करना चाहता हूँ, मतलब मेरे लिए तो लोग भगवान ही हैं, जिनको मैं देखकर, उनके काम को देखकर सीखते रहा, बाल अवस्था में उनकी परफॉर्मेंस देखते रहा, सही गलत परफॉर्मेंस जो मैं सीख रहा था, इन लोगों को देखकर सीख रहा था, फिर सीनियरों से पूछता था कि इस किरदार को इन लोगों ने ऐसे अप्रोच किया, मैं कैसे करूंगा। तो जो वहां पे फिजिकली मेरे पास थे, मेरे वहां पे ड्रामा टीचर मुझे वर्कशॉप देते थे होम टाउन में, चंद्रभूषण पांडे, बाल अवस्था में पहली वर्कशॉप उन्होंने दिया, बहुत वरिष्ठ रंगकर्मी है, तो मेरी सारी समस्याएं वो डील करते थे और बताते थे कि ये किरदार ऐसे अप्रोच किया, वैसे किया, तो मेरी तैयारी इन लोगों की परफॉर्मेंस देख के चल रही थी। तो पहला ही सीन, पहला ही दिन मेरा जो सेट पे रघुवीर यादव सर के साथ, तो मुझे तो पहला वो थोड़ा नर्वस था ही, किरदार मैं बिल्कुल रेडी हूँ, सब कुछ मैं तुरंत कर, वो सब कुछ रेडी है, लेकिन रघुवीर यादव सर के साथ करना है, अब एक माइंड में था मेरे लिए। लेकिन मैं जैसे ही सेट पे गया और रघुवीर यादव सर सामने खड़े थे तो बोले, हाँ यादव जी कैसे हैं आप, आइए करते हैं, तो इतना अच्छे भाव से, इतने प्यार से उन्होंने कहा ना कि सारा खत्म, बोले आइए सर करते हैं, लगा कि आप साथ में हम लोग बनाने, हम लोगों ने मिलके वो सीन बनाया और इतना मजा आया करने में उनके साथ, नीना मैम थी उस सीन में, फर्स्ट दिन जो था, जो मैं, मेरी शूट जो फर्स्ट दिन थी, तो इतना मजा आया, इतने बड़े कलाकार के साथ काम करके स्क्रीन पे मैं दिख रहा हूँ उनके साथ, ये तो मेरा बड़ा मैं लकी हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा, जिसको आप आइडोलाइज करते हैं, जब वो आपको सीन से पहले एकदम सहज कर दे तो आपको रोल निभाने में और आसानी मिल जाती है। एक जी, और जी, सीन जी। पे बात करना चाहूंगा, आम के पेड़ के नीचे जब पहला चाचा से आप मिलने गए थे, वो थोड़ा मतलब दिल को छूने वाला सीन था, उस पर भी बहुत बातचीत हो रही, उसके बारे में थोड़ा बताएं, वो मुझे सबसे मार्मिक और सबसे कमाल का लगा आपका। थैंक यू सो मच। वो स्क्रिप्ट जब मैं, मेरे पास आई थी, तो उस किरदार जो है आगे आगे बढ़ता है तो उसकी जर्नी बढ़ती है, तो मेरे अंदर भी जो बेचैनी थी, जो चीजें थी, वो धीरे धीरे बढ़ता है, आप ध्यान से देखेंगे तो उस किरदार की चाल और ज्यादा चेंज हो जाती है, और ज्यादा गंभीर हो जाती है, और ज्यादा इंटेंस, और ज्यादा वो डल हो जाता है, क्योंकि भूखा प्यासा भी है, वो घूमता है। तो उस किरदार की जो जर्नी थी ना, फाइनली जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था वहां था कि ये है डेस्टिनेशन, तो
तो जब आप डेस्टिनेशन पे जाते हो तो फूटते हो या चिल्लाते हो या रोते हो या हंसते हो, तो ये जो डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाला बात था वो खुल के रोता है कि मुझे, और बेहतरीन लाइन मुझे जो लगी वो चंदन सर का लिखा हुआ, जो मुझे मोटिवेट कर रहा था कि कब बोलूं कि प्रहलाद भैया हमको घर नहीं चाहिए, अम्मा चाहिए। तो वो नाती और दादी का जो प्रेम है ना वहां उमड़ता है, क्योंकि हमारे भारत में यही कल्चर है, हम लोग अपने बुजुर्गों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो इसके लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी, वो सुनते ही कान में आ गया था कि हाँ दादी। तो वो मोटिवेट मुझे इतना कर रहा था करने के लिए। तो वो उस दिन तो मैं अब मान के चले कि आधे दिन रोया हूँ केवल। बहुत सारे ऐसे शॉर्ट तो फिल्म में तो जितना सीरीज में है, लेकिन मैं बहुत सारी जगह घूमता हूँ वैसे गाने के मोन्टाज में, तो मैं वो रो ही रहा था, मैं इतने किरदार में था कि मैं रो रहा था कंटिन्यू। और इतनी धूप थी कि पता नहीं चाहे होठ सूख गए थे, चीजें सूख गई थी, तो मैं उस किरदार के जर्नी में घूम ही रहा हूँ। वो गमछा लेके घूमता है, लास्ट में उसको प्रहलाद दिखते हैं, प्रहलाद भी है कि इन्हीं से मदद मांगी जा सकती है, यही समझा पाएंगे। तो उस किरदार का डेस्टिनेशन था जब वह लिखा गया था उस स्टोरी में वहां पे, तो वो किरदार रियल में मैं इतने परसेंटेज तक जा चुका था कि मुझे थोड़ा सा वो था कि विशाल तो अलग हो चुका है, जगमोहन ही था मैं उस समय। तो उसकी जो भावना है, उसके चेहरे का रिएक्शन, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो रही थी, क्योंकि मैं उस समय तक पूरी तरह से किरदार में था, वो दिख भी रहा था। मैं एक सीन का जिक्र करना चाहूंगा, जब सचिव जी से बात होती है आपकी, वो कहते हैं कि बोल रहे हैं कि मन बेचैन सा है, जैसे मैं भी अमेठी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता हूँ, तो ग्रामीण अंचल है, तो दादी अम्मा लोग कहती थी कि मन बड़ा उलझन हो रही है, क्या है पता नहीं। वो सीन मैं लिटरली बताऊं, मेरी माँ की डेथ अभी 8 दिसंबर 2023 को हुआ, जब आप बार बार घूम रहे थे और वेरिफिकेशन कर रहे थे कि उस दवा से कोई रिएक्शन नहीं हो जाएगा, तो मैं सच बताऊं, मैं अपने रूम में जाके किनारे रो के माँ को याद कर रहा था, और वो जी रहा था कि क्योंकि मैं ऑफिस जाता था, कई बार कॉल करके पूछता था कि कौन सी दवा खाई हो मम्मी, एक्चुअल में वो कैंसर पेशेंट थी, एम्स दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था। तो मेरे मतलब वो सीन से ना सब कुछ मेरे घूम गया, और मैं आपसे हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि मैं इंटरव्यू करूंगा कैसे, लेकिन ऐसे पत्रकार की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि बार बार आप जिस तरीके से गेट से गुजर रहे थे, आप दादी को झांक रहे थे, और बाद में आपने सारे संयम खो के आपने बोला नहीं अब ले जाना है मुझे, सचिव जी को बुला के जब ले गए, वो मेरे लिए पूरा मतलब पंचायत का मेरे हिसाब से बहुत सारे अच्छे सीन है, लेकिन मेरे लिए सबसे बेस्ट सीन वो था। अरे बहुत बहुत थैंक यू आपका। आप जगमोहन को देखेंगे तो उसका सर का साया क्या है, उसके ऊपर एक ही है, वो है अम्मा और कोई नहीं है, और उससे छोटे उसकी बीबी और बच्चा है। तो उसका गार्जियन जो है वो कौन है, सर का जो छत बोलेंगे ना वो अम्मा ही है और कोई है नहीं उसके घर में। तो आप सोच सकते हो कि अगर कोई एक ही छत है और उस पे एक चींटी भी काट जाएगी तो कितना दुख होगा। तो मैं उस भावने से जी, अगर आपका एक ही छत है और वहां पे थोड़ा सा भी कुछ होगा तो वो कितना डिस्टर्ब करेगा आपको, और अम्मा का तो तबीयत ही खराब हो गया, वो भी बुजुर्ग हैं, और अगर वो चली जाएंगी और वैसे चीजें हो जाएगी तो जगमोहन के लिए तो जग सुना हो जाएगा। तो इतना डर है, और एक निचला तबका जो है, निचला तबका उस ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, समझदार नहीं है, तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं है कि इस दावे से क्या हो जाएगा, उसको आइडिया नहीं है, पता नहीं है, तो रिस्क लेना नहीं चाहता है, वो बिल्कुल नहीं लेना चाहता है। और वो भी प्ले कर रहा है, नाटक चल रही है वहां पे, तो नाटक में तो और रिस्क नहीं ले सकता है, क्योंकि ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें तो और रिस्क नहीं ले सकता कि सही में तो पता नहीं क्या हो जाए। आप वो सीन जो देखें तो वो अंदर की जो जगमोहन की बेचैनी है कि लग रहा है कुछ हो गया क्या, दवा तो खाई थी वो, तो कहीं उल्टा सीधा ना हो जाए, मतलब मेरे सर का जो साया है वो हट ना जाए, वो बेचैनी है, तो जल्दी डॉक्टर के पास ले चलो, मतलब उसमें टाइम है। तो आप देखते हैं कि ऑटो रुकवाता बोलता है जल्दी जल्दी ले चलो, जितने स्पीड में है जितना वो चीजें, तो वो निचला तबका है वो, मेरे हिसाब से जिसके पास प्रभु है और चीजें हैं और व्यवस्थाएं कम है, वो चाहता है कि जल्दी जल्दी वहां हम पहुंच जाए जिससे हम ठीक हो जाए और चीजें हो जाए, और सब कुछ लगा देता है उसमें। तो जो मोहन के पास जो है तो वो अपनी बेचैनी अपनी चीजें हैं, इसलिए वो बार बार फोन पे भी कर रहा और देख भी रहा है उसको कि कोई ज्यादा तबीयत तो नहीं खराब हुआ ना, अभी आंख खोली कि नहीं खोली देख रहे, और सचिव जी से भी बात कर रहा। तो कोशिश मैं कर रहा था कि उस बेचैनी को, उस दुख को, उस सूल को मैं प्रेजेंट कर पाऊं। तो आप जैसे बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि मैं सक्सेस हुआ उसमें। नहीं बिल्कुल, नो डाउट। और दादी के किरदार में कमाल किया, उन्होंने कहा कि
मैं जाते जाते कुछ देना चाहती हूँ जगमोहन को, एक छत मिल जाए, तो वो मतलब वो भी बहुत कुछ रिकॉल कर रहा था, इसलिए बहुत क्या बताऊँ, मैं चलता हूँ, थोड़ा ये इमोशनल हो जाएगा तो लोगों क्या ही कहें, अब मैं माफी चाहता हूँ। दूसरे जोन में मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ, बिहार के एक छोटे से आरा के एक गाँव की लड़की ने कब अपनी आंखों में एक अभिनेता बनने का सपना बुना, या उसके आंखों में कब तैरा कि मुझे एक्टर ही बनना है? मैं जब बहुत बाल अवस्था में था, छोटा था, मतलब 2.5-3 साल का होऊंगा मैं, मुझे जो पहली स्मृति याद है, हमारे गांव में एक नाच आया हुआ था किसी शादी में, तो कोई मुझे कंधे में बैठा के ऐसे घुमाने लग गया, तो मैं देख लिया उसको, और घर आया तो अगले दिन मैं उसको परफॉर्म कर रहा था, तो मेरी बड़ी माँ जो है वो देखकर हंस रही थी, तो मुझे मजा आ रहा था कि मैं कुछ कर रहा हूँ, वो हंस रही है, उनको अच्छा लग रहा है, तो मेरी पहली परफॉर्मेंस घर में ऐसे शुरू हो गई थी, मुझे मजा, तो मुझे लगा कि ये करने में मुझे बड़ा मजा आ रहा है, चीजें हो रही है, लोगों को अच्छा भी लग रहा है। तो फिर उसके बाद मैं स्कूल में गया, पढ़ाई लिखाई चल रहा था, तो स्कूल में एनुअल फंक्शन वगैरह होता, तो उसमें छोटे छोटे ड्रामा होता, तो उस ड्रामे में ऑडिशन किया लोगों ने, लोगों को पसंद आया, तो मुझे ड्रामे में लेना शुरू कर दिया, और उन लोगों ने ड्रामे में मुझसे परफॉर्म कराना शुरू करा दिया, और मुझे बड़ा मजा आता था। तो ऐसे करते करते स्कूल में एनुअल फंक्शन कर रहा था, तो 5वीं क्लास में पहुंच गया, तो बड़े लेवल पे थोड़ा एनुअल फंक्शन हो रहा था उस स्कूल में, तो 5 नाटकों में, छोटे छोटे नाटक होते थे 15-20 मिनट के, उसमें 5वें में मुझे लीड किरदार दिया गया, मेन किरदार दिया गया, मेरी वो देख कर कि ये सब करना चाहता है और अच्छा कर रहा है, ऑडिशन कर रहे थे बच्चों में, तो उसमें मैं सेलेक्ट हो जा रहा था क्योंकि मुझे बड़ा मजा आ रहा था। तो वहां से क्या हुआ कि आरा जहाँ मैं हूँ, तो जो भी एमएचओ थिएटर है या जो भी छुटपुट थिएटर होता है, वहां के लोगों ने मुझे उठाया, वहां से नोटिस किया, और मुझे अपने पास वाले स्कूल के बाद मेरे पास आ जाया कर, बड़ा मुझे भी बड़ा मन आता था कि मैं वहीं जाऊँ, वहीं सीखूँ, वहीं करूँ, और उन लोगों के साथ टाइम बिताना शुरू किया और सीखना शुरू किया। फिर 7th क्लास में चंद्रभूषण पांडे सर मिले मुझे, जिन्होंने मुझे ट्रेंड करना शुरू किया प्रोफेशनली कि इस तरीके से होंगी चीजें, इस तरीके से होंगी, और उन्होंने मुझे पहली बार 7th क्लास में नाट्य शास्त्र से अवगत कराया, जो अभिनय का जो ग्रंथ है उससे कराया, जिसको वेद भी बोलते हैं, नाटक का वेद, नाट्य शास्त्र भरत मुनि का लिखा हुआ है, उससे कि नाटक ऐसे प्रॉपर ढंग से कहाँ से आई सारी चीजें, उन्होंने स्टानिस्लावस्की बताया, ब्रोटोस्की बताया, तो मुझे 7th क्लास में ही अभिनय के बारे में उन्होंने जो है मेरी वो दिमाग खोल दिया कि ये है, ऐसी चीजें होती हैं। और उस समय मुझे याद है कि बहुत सारे प्ले के संवाद उन्होंने चार्ट बोर्ड पर लिख के दीवार पे चिपका दिया और मुझसे तैयारी करवाना शुरू किया, और मुझे बड़ा मजा आता था, और मैं उसको तैयारी करके फिर परफॉर्म करना शुरू किया। 10 लोग इकट्ठे होते थे, मैं एक स्पीच सुनाता था, 10 लोग इकट्ठे हुए बोलते थे चलो स्पीच सुना, तो उसमें मेरा एक बड़ा अच्छा स्पीच फेमस था, एक अंधायुग प्ले है, अंधायुग धर्मवीर भारती का लिखा हुआ बहुत बड़ा प्ले हिंदी का, बिल्कुल, उसमें एक किरदार है अश्वत्थामा, तो मैं बाल अवस्था में 7-8 क्लास में अश्वत्थामा तैयार कर चुका था और उसको परफॉर्म करता था, बस उतना पार्ट, तो जहाँ इकट्ठा होता बारात में गया हूँ तो मैं, अरे अश्वत्थामा आया, जो थोड़ा पढ़े लिखे वर्ग थे आराम में बोलते, अरे अश्वत्थामा आया चलो करो, और मैं अश्वत्थामा करता था, उनको रौद्र रूप सारी चीजें ऐसे दिखाता था, तो बड़ा फेमस था कि यार ये अश्वत्थामा वाला है, वो लड़का है, वो लड़का ऐसे फेमस था, तो ऐसे बहुत सारी चीजें चल रही थी। फिर जब मैं बड़ा हुआ तो बहुत सारी फिल्मों, मनोज वाजपेयी का डायलॉग, अमिताभ बच्चन सर का जो है डायलॉग, उनकी कॉपी, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, वो जो गाना है उसको रिक्रिएट करता था, गमछी पहनकर उसको रिक्रिएट करता था, लोगों के सामने प्रेजेंट करता था, तो चीजें चल रही थी। और उस समय ही जब, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि मेरे कान में डाला जा रहा था कि मनोज वाजपेयी, इरफान खान, रघुवीर यादव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर को, तो मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर से जाना, जब मैं 10th में था, जब फिल्म रिलीज हुई, यार ये कौन एक्टर है, फिर उनका, फिर पंकज त्रिपाठी सर को भी वहीं से जाना, लेकिन अभिनय की तैयारी उससे पहले मैं चल रहा था, कर रहा था स्कूल टाइम से ही, और उस समय तमाम एक्टर जो इंट्रोड्यूस हो रहे थे तो उन्हीं की फिल्में देख रहा था, उन्हीं से सीख रहा था, और अमिताभ बच्चन सर का, एक तो मैं आपको बताऊं कि मैं इतना सिनेमची भी रहा बचपन में, दूरदर्शन बाल अवस्था में दूरदर्शन ही था उस समय 2003-04 में, और ऐसे भी हमारे यहाँ फिल्में लेट आती थी, सिनेमा हॉल में भी जो रिलीज हुआ लेट आती थी आरा शहर में, तो मुझे याद है कि फिल्म देखने के लिए इतना बेचैन हुआ करता था, तो अमिताभ बच्चन की फिल्म थी एक लवारिस, तो मैं अपने माई से कहा, मेरी मदर जो है, माई कहते हैं हम लोग वहाँ, तो अपनी माँ से कहा कि मैं पहले सो जाऊंगा, 9 बजे से फिल्म आएगा तो मुझे उठा देना तुम, तो वो किसी कारण नहीं उठा पाई, और जब मेरी नींद खुली मैं गया तो फिल्म खत्म हो चुकी थी,
मैं रात भर बैठ के रोया हूँ कि मुझे अमिताभ बच्चन को देखना था, अब पता नहीं ये फिल्म कब आएगा बाल अवस्था में। और मैं रो रात भर बैठ के रोया था कि मुझे ये फिल्म देखना था, वो परफॉर्मेंस देखना था, मुझे अमिताभ बच्चन को देखना था। तो ये स्थिति थी, मैं सिनेमची भी था और वो अभिनय के हिसाब से था, मुझे कनेक्ट कर रहा था सारी चीजें जी। तो मैं वैसे सारी चीजें करके फिर मंडी हाउस आ गया न्यू दिल्ली दिख भी रहा है सर, लंबा संघर्ष, आपकी मेहनत कभी जी। खराब नहीं, बेकार नहीं जाती। फिर उसके बाद मैं मंडी हाउस आ गया और जब आरा में ही मुझे बताया गया कि तुम बेसिक ट्रेंड हो चुके हो, तो जब मंडी हाउस जाओगे तो वहां पे एक बहुत बड़े एक्टर हैं, उनके साथ ही अगर रहोगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जब मैं मंडी हाउस पहुंचा तो वहां मेरे टाइम में हिंदी थिएटर के उनसे बड़ा कोई एक्टर नहीं था, महेंद्र मेवाती जो मेरे गुरु रहे वहां पे, तो उनके सानिध्य में मैं 2-2.5 साल रहा और बहुत कुछ सीखा उनसे, जो हिंदी थिएटर प्रॉपर और सारी चीजें, इंग्लिश थिएटर और हिंदी थिएटर, बहुत सारी चीजें, एक्टिंग के नए नए टूल्स जो हैं उनसे मैंने लिया, प्रॉपर जो टूल्स होते हैं सारी चीजें उनसे मैंने लिया, उनसे सीखा, उनके साथ जम के इम्प्रोवाइजेशन किया, फ्लोर पर उतर जाते थे हम लोग, छोटे छोटे स्क्रिप्ट लेकर के सर करते हैं और मेरे साथ काफी उन्होंने किया। और वहां से मैं उनके साथ सीखते सीखते मुझे लगा कि अब मुझे यहाँ अपना खुद का भी परफॉर्मेंस करना चाहिए, खुद भी वो करना चाहिए। तो मैं एक ऐसे एमेच्योर लेवल का पहले थिएटर ग्रुप शुरू किया, जो जो भी नए बच्चे आते थे उनके साथ मैं जुड़ा और एक नई स्क्रिप्ट मैंने जुड़ा और उसको इम्प्रोवाइज किया और वहाँ श्रीराम सेंटर में मैंने परफॉर्म किया और 2016 में सबसे हिट प्ले साबित हुआ वहां पे मंडी हाउस में, और मैं रातों रात चर्चा में आ गया। विशाल जी, आपने दिल्ली तक का सफर तो तय कर लिया था, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक ये समझना चाहेंगे, दिल्ली से जब आप मायानगरी मुंबई में पहुंचे तो शुरुआती आपके सफर के बारे में जानना चाहेंगे, इंडस्ट्री में कैसे काम मिला, कहाँ अप्रोच किए, उसके बारे में थोड़ा बताएं दर्शकों। मैं लगभग कोविड से 3 महीना पहले आया हुआ था यहाँ पे, फिर होली के लिए घर गया, फिर कोविड आ गया तो वहीं रह गया, फिर कोविड के जस्ट बाद आया यहाँ पे। तो यहाँ आने के बाद अनजान शहर, अनजान चीजें, सब कुछ नया नया, अनजान लोग, यहाँ कोई जानता नहीं, सड़कें नहीं, सारी चीज। और मैं जहाँ रहता था शुरुआत दिनों में, वहाँ समंदर की आवाज आती थी रात में और मैं कभी समंदर देखा नहीं, तो मुझे वो डर लगता था उस आवाज से, पता नहीं क्यों वो अचानक बहुत डर लगता था रात में और अकेला फील भी होता था और कोई जानता नहीं। तो पहला काम यह था कि सारे कास्टिंग एजेंसी सीनियरों से पूछो जो मिल जाता कि कहाँ है कैसे है, तो उन लोगों से पूछ पूछ के मिलना, लोगों से बाहर खड़े रहना, कहाँ सर बताइए, आज भी चलता है कि जिसको नहीं जानता बोल, हाँ सर मैं एक्ट करूँ और मुझे काम दीजिए, मैं ये किया हूँ, तो बोलते हाँ हाँ इंट्रो दे दो। तो वो सारी चीजें करना शुरू कर चुका था वहां पे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि किसी किसी को लगा कि इसको टेस्ट करना चाहिए, तो ऑडिशन किया उन लोगों ने, तो अच्छा मैं अपना किया, उन लोगों को अच्छा लगा, तो फिर ठीक ठाक रोल में वो ऑडिशन करना शुरू कर दिया लगातार, और सभी जगह से धीरे धीरे ऑडिशन आना शुरू हो गया और तमाम बड़े बड़े प्रोजेक्ट में अच्छे अच्छे रोल के लिए वो लोग ऑडिशन करना शुरू कर चुके हैं मुझे। फिर ऐसा हुआ कि बहुत सारे प्रोजेक्ट में मैं शॉर्टलिस्टेड होना शुरू हुआ जी, बहुत सारे प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्टेड होना शुरू हुआ, तो मुझे शुरुआत में तो खुशी होने लगी कि चलो मैं शॉर्टलिस्टेड हो रहा हूँ, वो एक प्रोसेस। लेकिन फिर हुआ कि शॉर्टलिस्टेड ही हो रहा हूँ, आगे कोई सेलेक्ट नहीं कर रहा है, कोई ले नहीं रहा है, अब किसी किसी कारण से कोई नॉन एक्टर चाहिए उस जगह पे उस रोल के लिए, कुछ और चाहिए, ऐसे तमाम चीजें होती हैं। तो मेरा मन जो है धीरे धीरे उदास होने लगा कि लग रहा है कोई लेना नहीं चाहता है, सब तो बस शॉर्टलिस्टेड अच्छा एक्टर है, गुड एक्टर, सारी चीजें बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट टाइम काम करेंगे, ये सारी चीजें हो रही, लेकिन सबको पता था कि ये ठीक करता है, अच्छा कर रहा है, और तो शॉर्टलिस्टेड कर लेते थे किसको रखते हैं, अगर ऐसे नहीं तो इसको ले लेंगे, लेकिन हो नहीं रहा। फिर मैं लगभग 2.5-3 साल होने को हाँ ऐसी चीजें चल रही थी, एक दो काम छोटे मोटे मिल रहे थे तो वो कर रहा था कि ठीक है जाए वहां कर देता हूँ, चीजें चल रही थी, लेकिन जिस चीज के लिए ऑडिशन हो रहा था ना वहां केवल शॉर्टलिस्टेड होता था मैं। और ये भी अच्छी बात है कि सब लोग मुझे अच्छे रोल में टेस्ट कर रहे थे, शुरुआत से ही ठीक ठाक रोलों में टेस्ट कर रहे थे वो, तो शॉर्टलिस्टेड होता हो नहीं रहा था। तो मैं उन दिनों क्या हुआ कि मेरी अचानक माँ की तबीयत खराब हो गई, उसको पैरालिसिस मार दिया, तो मुझे घर पे जाना पड़ा, तो मैं घर गया और हम दो भाई हैं और दो बहन हैं, बड़ी दीदी की शादी हो चुकी है, मुझसे 10 साल बड़ी है, तो वो रांची रहती है, घर पे छोटी बहन है और दोनों भाई बाहर रहते, ना यहाँ काम मिल रहा है, माँ की तबीयत खराब, बेड पे पड़ी हुई है, तो बड़ा दुख हुआ, बड़ा दर्द हो रहा था कि वहां ना कोई पूछ रहा है ना काम दे रहा है और यहाँ तबीयत भी खराब और घर पे रहना भी है, कब माँ का देखभाल करना पड़ेगा सारी चीजें, तो वैसे चलते रहे। तो बड़ा मैं दुखी हुआ कि यार काम नहीं मिल रहा है, लेकिन उस समय मेरी छोटी बहन जो लाला यादव है बोली कि ये जो परिस्थितियां हैं वो तो चलती रहेंगी,
तुम्हें लोग शॉर्टलिस्टेड तो कर रहे हैं ना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में चीजें तो हो रही है ना, लोग मान रहे हैं तुम्हें, अच्छा एक्टर जान रहे हैं, समझ रहे हैं, किसी भी दिन तो आएगा कि डायरेक्टर बोलेगा कि नहीं ये रोल तो यही करेगा। कितनी खूबसूरत बात कही उन्होंने और बहुत बड़ी बात। बिल्कुल, उसने मुझे हिम्मत दिया। नहीं तो आप समझिए कि घर में जन का होना तो जरूरी है ना, पिताजी हमारे काफी बुजुर्ग हैं, तो एक लड़का बेटा होना जरूरी है बुढ़ापे में साथ में, और दोनों भाई बाहर हैं, हम लोग छोटी बहन है, लेकिन उसने कहा कि नहीं कोई भी परिस्थिति है, चीजें हैं, वो परिस्थितियां चलेंगी, हम लोग लड़ेंगे, लेकिन अपना स्ट्रगल अपना मेहनत मत छोड़ो, लोग तुम्हें जानते हैं, तुम्हारी टैलेंट को जानते हैं, किसी भी दिन होगा जो डायरेक्टर बोलेगा कि नहीं नहीं ये रोल यही करेगा। तो मैं जस्ट आया ही मुंबई और मुझे लग रहा है 10-15 दिन बाद ही कास्टिंग बे, एक कास्टिंग कंपनी है, उन्होंने मुझे अप्रोच किया इस रोल के लिए। तो सचिन तिवारी करके भाई हैं जो कास्टिंग असिस्टेंट थे, सहज भाई एसोसिएट इस प्रोजेक्ट के थे हैं, और सुयांश भाई असिस्टेंट थे, और अनमोल आहूजा सर और अभिषेक बनर्जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया, मुझे ढूंढा और मुझे ऑडिशन कराया, तो उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अनमोल आहूजा सर, अभिषेक बनर्जी सर और सचिन तिवारी भाई, सहज भाई और सूर्यांश भाई, ये सारे लोग थे इस प्रोजेक्ट में। तो जब मैं ऑडिशन उन लोगों ने भेजा मुझे, सचिन तिवारी भाई जो है मुझे कॉन्टेक्ट किया, और उन्हें उनको पता था पहले ऑडिशन करते थे लोग कि बिहार से और ऐसी सारी चीज़ें हैं और अच्छा करता है, तो ऑडिशन थे, तो ऐसे ही रैंडम ऑडिशन लोगों ने भेजा मुझे। तो मेरे पास जब स्क्रिप्ट आई तो मैं समझ गया कि ये पंचायत का ही है, ब्रीफ नहीं आया था मेरे पास, ब्रीफ रात को आना था, तो मैं समझ गया और मैं अपनी तैयारी शुरू कर चुका। तो जब वो फोन किए मुझे ब्रीफ देने के लिए, तो मैं समझ गया, मैं बोला कि ये पंचायत सीरीज की है ना, तो बोला कि हाँ विशाल पंचायत सीरीज की है। तो मैं 100% देता था, 150%, 200% लग गया कि नहीं इसको तो क्रैक करना है, किसी भी सूरत में इसको तो क्रैक करना है, क्योंकि मुझे पता था कि इतनी हिट सीरीज है, इसमें मुझे दो सीन भी मिलेगा ना तो मैं जन जन तक पहुंच जाऊंगा, मेरी अभिनय की क्षमता जो है लोगों को पता चलेगी। मुझे पता था कि ये बहुत बड़ी सीरीज है, बहुत पॉपुलर सीरीज है, तो मुझे दो सीन भी होगा तो लोग रिकग्नाइज कर लेंगे, और ये काफी अच्छा रोल और काफी ठीक ठाक रोल था, मतलब उस समय के हिसाब से 5 एपिसोड का स्क्रिप्ट था, तो उसमें सबसे बड़ा रोल यही था जो इंट्रोड्यूस हो रहा था नया, 5 एपिसोड के हिसाब से, बाद में सारी चीजें हुई, उस समय जब ऑडिशन चल रहा था, तो ऑडिशन इतने चल रहे थे तमाम चीजें चल रही, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी सारी ऑडिशन इसी रोल के लिए हो रहा था। तो पहला राउंड ऑडिशन किया, उन लोगों को अच्छा लगा, टीवीएफ में अच्छा लगा, तो फिर दूसरे राउंड के लिए बुलाया गया ऑफिस, दूसरा राउंड किया, फिर तीसरा राउंड करके आया, तो मुझे आभास हुआ कि लग रहा है कि हो गया, ऐसे लग रहा था, क्योंकि और वो ऑडिशन बनाने में मेरी मदद जो है सचिन तिवारी भाई और सहेज भाई और सूर्यांश भाई ने मिलकर, क्योंकि को एक्टर की भूमिका वही निभा रहे थे, तो इतना अच्छा क्यों दे रहे थे वो, कि मुझे मजा आ रहा था, स्मूथ कर रहे थे हम लोग, और उनके स्टूडियो में जाके कास्टिंग बे में ही कर रहा था, और इतने सपोर्टिव लोग थे वो, बोले विशाल भाई अब करो, हम लोग को एक्टर है ना, वो भी प्रिपेयर थे और हम लोग कर रहे थे। तो उन लोगों ने ऑडिशन भेजा, और मुझे लग रहा है कि ऑडिशन के 1-2 दिन बाद ही उधर से फोन आ गया कि विशाल भाई यू आर लॉक, और मेरी कान तरस गए थे कि भाई कोई बोल दे कि आप लॉक हो गए। सबसे पहले किसको बताया? छोटी बहन लाला यादव को फोन किया हमने, कि जब फोन आया तो मैं पहले यही बोला, सचिन तिवारी भाई का फोन आया था कि विशाल भाई यू आर लॉक, मैं बोला उनको कि भाई कान तरस गए थे ये शब्द सुनने को कि कोई लॉक बोल दे, और मैं धड़ से 3rd फ्लोर पे रहता हूँ नीचे गया और पहला कॉल अपनी बहन को लगाया और मैंने बोला कि मैं लॉक हो गया, पहला यही था। फिर उसके बाद बड़े भाई को कॉल किया और ऐसे घूम रहा था फोन पे बात करते हुए बेचैनी कि हो गया, फाइनली मिल गया, रोल मिल गया, अब मैं अभिनय करूंगा, लोगों को पता चलेगा कि हाँ हाँ मैं अभिनय कर सकता हूँ, करता हूँ और सारी चीजें। तो मैं पहली बार छोटी बहन को बताया, और उसके बाद इतने अच्छे रोल में मुझ पर ट्रस्ट करना, दीपक सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत प्यार कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया कि ये रोल यही करेगा, उन्होंने ट्रस्ट किया पहली बार बड़े रोल में। और अनुराग सर का जो टीवीएफ के मालिक है, अनुराग सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और चंदन सर का जो राइटर है, सब लोग मिलकर डिसाइड करते होंगे, मुझे आइडिया नहीं, लेकिन सबका प्यार इतना बढ़िया रहा मिला मुझे, इतना मिला कि मैं बता नहीं सकता। और पहले ही तो दीपक सर के लिए तो बहुत बहुत थैंक यू, लव यू सर, बहुत प्यार आपको मुझे मौका देने के लिए। बिल्कुल, वो कहते ना कि पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसले से होती है, और आपने इतना वक्त जो अंदर आपके अंदर द्वंद चल रहा था और मौका मिला तो आपने मौके को पूरी तरीके से लूट लिया, जहां इतने बड़े बड़े किरदार हैं, जो बड़े बड़े एक्टर आपके साथ थे, आपने उस मौके को इतना बुनाया कि आज हर जगह जगमोहन की चर्चा हो रही पंचायत की।
और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सबसे इस सीजन का सबसे अहम रोल कह लें और सबसे चर्चित रोल रहने वाला है। मुझे जितने लोगों से मैंने बातचीत की, जो पंचायत के डाई हार्ड फैन है, मेरा भतीजा है, मेरे भैया भाभी हैं, उन्होंने कई बार देखा है और उन्होंने मुझसे पहले देख लिया। अब वो कॉर्पोरेट जॉब में रहते हैं तो कमाल की, और हर बार यही कि जगमोहन ने तो गजब कर किया। क्या एक्चुअल में ऐसा होता है, क्योंकि वो ना मीडिया से है ना थिएटर से, तो उन्होंने कहा कैसे निभा सकते हैं ऐसे। तो मैं हम इंटरव्यू के आखिरी सेगमेंट में चल रहे हैं। एक मेरा सवाल है कि अब तक के पूरे काम को आप देखें, पूरे शुरू से अब तक, जब आपको आप एक अच्छे किरदार में जहां तारीफें मिले, इसके एक्सपीरियंस पूरे अनुभव के बारे में आप कुछ साझा करना चाह रहे हैं तो हमारे ऑडियंस के साथ जरूर करें। देखिए, बड़ा लंबा संघर्ष रहा। मैं अपने एज से ज्यादा मेहनत करता था। मुझे याद है जी कि मुझे होम टाउन, तो मुझे अभिनय के प्रति इतना पागल हूं मैं कि मेरे एज के बच्चे बाइक लेकर गेड़ी मारते थे, घूमते थे, इधर जाते। मैं अभिनय की तलाश में रहता था कि कहां से चार बातें, कोई पोएट सुना दे, कोई कविता सुना दे, कि मैं वहां से चार बातें सीख जाऊं, चीजें सीख जाऊं किसी के बारे में। तो मेरी तलाश वहीं से थी हमेशा, होम टाउन में भी थी, दिल्ली में भी, सभी जगह। ये बड़ा लंबा संघर्ष चला कि मुझे नहीं लगता कि हो सकते हैं बहुत सारे बच्चे होंगे स्कूल टाइम से ही प्रोफेशनल लाइफ को इतना सीरियस ले लिया कि मुझे ये बनना है, तो इसकी तैयारी शुरू कर दिया। आप सोच लो कि 10th में या 9th में जो सिलेबस है हमारे स्कूलों में, मैं CBSE का हूँ, तो उससे सिलेबस जो 10th में 12th में या ग्रेजुएशन में पढ़ाया जा रहा है उसको मैं पढ़ रहा था। अलग से चीजें चल रही थी, मैं उन पे बात करता था, डिबेट करता था, सीखता था लोगों से कि ये क्या हो रहा है। साथ में चल रहा था वो चीजें, स्कूली एजुकेशन के साथ अपनी अभिनेता बनने की तैयारी। तो ये बड़ा लंबा रहा है, मतलब आप समझ लो कि मैं अपने एज के साथ अभिनय को ग्रोथ करते 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 करते। और इसमें एक चीज वो जरूर रहा है कि अपनी शिद्दत, मेहनत और ईमानदारी, इसको मैं प्रथम रखता हूँ अपने लिए। मैं ईमानदारी और शिद्दत और मेहनत तीनों चीजें मिला के चलता हूँ। और बचपन से ही मैं सोच लिया था कि मेहनत से कभी नहीं भागूंगा, जितना मेहनत होगा उससे ज्यादा करूंगा, और शिद्दत जो है जितना मन लगाऊंगा, जो नेचर से मिला है मुझे कि काम में मैं रम जाता हूँ, और ईमानदारी रखूंगा, कभी अपने को धोखा नहीं दूंगा, ईमानदार रहूंगा, 100% सीखूंगा चीजों को, कोशिश करता हूँ उसमें। तो हमेशा सारी चीजें, वो तैयारी जो चल रही थी, तो मुझे लग रहा है कि 8-9-10 साल की है वो जो यात्रा, वो चीजें चल रही है बाल अवस्था से ही, तो चीजें चले, तो उसका परिणाम है ये कि तैयार होकर जब मैं आया और जब मौका मिले, तो आप सोच सकते हैं कितने सालों की तैयारी, जब करने को मौका मिलता है, चीजें शुरू होती है, तो कितनी खुशी की बात होती है। तो मेरे लिए तो ये था कि अगर मेरे पास राइफल हो तो मैं छत पे बैठ के फायरिंग कर दूं कि भैया लग रहा है कि कुछ होगा। मैं आपका 2-3 सवाल और मेरे हैं कि आप फ्यूचर में कौन सा ऐसा रोल करना चाहेंगे जो मन में है कि इस किरदार को मैं बेहतर निभा सकता हूं या करना चाहता हूं। मैं हर तरह का रोल करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे कॉमेडी टाइमिंग में बड़ा स्ट्रांग मिला है नेचर की तरफ से, और कॉमेडी भी बड़ा अच्छा करता हूं, सीरियस भी अच्छा करता हूं, सारी चीजें जो अभिनय की अलग अलग है। मैं अगर मुझे बीट पे बताया जाए तो मैं डांस भी अच्छा करता हूं, गाना भी गा लेता हूं, क्योंकि फोक बचपन में गाता था मैं, फोक संगीत से जुड़ा रहा, सीखता था मतलब लोगों से, तो बिहार की सारी फोक आती है मुझे, तो मैं फोक गाता भी था। तो संपूर्ण अभिनेता वाली जो क्वालिटी है, मुझे लगा लोग कहते हैं कि तुम में है, तो मैं सब कुछ कर पाता हूं। तो इसलिए मेरे से बिल्कुल जगमोहन अलग है, लेकिन मिला तो मैं उसको 100% शिद्दत से उसको निभा पाए सारी चीजें। तो तमाम रोल करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि ये फेवरेट है मेरा। मुझे अगर कोई डायरेक्टर बोलता है कि ये रोल करना है आपको, तो मैं उसमें जी जान लगा दूंगा, क्योंकि अभिनेता हूं मैं, और मेरी जितनी कमाई है, मेरे जितने अंदर मेरे माइंड में बैक ऑफ माइंड, मैं उसको लगा के किरदार को तैयार करूंगा। ऐसे कौन से फेवरेट डायरेक्टर हैं या डायरेक्टर हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं? अनुराग कश्यप सर हैं, जो मेरे बहुत अभी और उनके प्रोजेक्ट में होते होते रह गया, तो लगा क्या धक वैसी हुई, अभी मैं ऑडिशन कर ही रहा था, चीजें चल रही थी उनके प्रोजेक्ट में, और आपके थ्रू या किसी बात सुन ले कि मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ। बिल्कुल, तो बिल्कुल सुनेंगे जी। दिवाकर बनर्जी सर हैं, बहुत सारे लोग हैं, तमाम जो डायरेक्टर हैं ऐसे, संजय लीला बंसाली के साथ सर के साथ भी मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी जो भव्यता है, मैं तो अभिनेता हूँ ना, तो मुझे वो भी लाइफ जीना है कि मैं हाँ वो लेकर और उस फील्ड में जीऊँ, लार्जर देन लाइफ भी करूँ, एशियन हिस्ट्री जो है उसमें भी करूँ, तो मुझे वो भव्य वाली फिल्म में भी करनी है। और प्रकाश झा सर के साथ काम करना है, क्योंकि उनकी पहली फिल्म हमने दामुल देखी थी CD पे लाके, किसी ने रिकमेंड किया था कि दामुल फिल्म देखो, मैं देखकर चकित रह गया कि ऐसा भी फिल्म होता है क्या। जो आपको देख रहे हैं वो आपके चाहने वाले भी दुआ करेंगे कि आपकी मुराद 2024 में जरूर पूरी है। एक और अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, उस पर थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताते चलें।
जी अभी कॉल आने शुरू हो गए हैं, लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं, लोगों को पता चला कि ये एक्टर जो है आ गया है, ऐसे लोगों को अनुभव हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसे मिलते हैं वो और उस किरदार को देख रहे हैं तो कभी चकित हो रहे हैं कि अरे वाह ये तो, ये अभिनय अलग ही है, तो लोग मतलब बड़ा प्यार दे रहे हैं। तो जिनसे मैं सोचता था कि उनसे बातें करूं, बताऊं कि मैं एक्टर, उन लोगों का मैसेज आना शुरू हो गया है, वो सराहना कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। और प्रोजेक्ट का बात रहा तो काफी सारे प्रोजेक्ट अप्रोच करना शुरू कर चुके हैं, तो मैं इस अभी माहौल का आनंद ले रहा हूँ, उसके बाद मैं देखूंगा कि कौन सा करूंगा, इसे अलग करना चाहता हूँ, वो सेलेक्ट करूंगा। और आपको अच्छे किरदार मिलेंगे। हाँ। पहली बार जब आपको पैसा मिला, कहें कि आपके काम के एवरेज में जब आपको एक प्रोत्साहन मिला, उस पहले पैसे का आपने क्या खरीदा था? मुझे याद है मैं पहला पैसा ऐड किया था, मैं तो मेरे पास 30,000 रुपए आए थे एक ऐड का, तो 2-3 हज़ार रुपए रख के मैंने अपनी छोटी बहन को भेजा और बोला कि जो मन है वो खरीद लो, क्योंकि ये तुम्हारी हिम्मत से सारी चीजें हो रही हैं, क्योंकि वो तो उसके लिए उससे भेजा था, और उसने जो भी है अपना वो ज्वेलर्स वगैरह जो है। लास्ट में 40 सेकंड में आपको और दूंगा, क्योंकि आपसे जाने विदा लेने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन समय वक्त सब कुछ तय है। आपकी स्क्रीन है, कैमरा आपकी तरफ है, कोई मैसेज या कोई सवाल जो रह गया है मुझसे या मैं पूछ ना पाया हूँ आप बता सकते हैं, साझा कर सकते हैं अपने चाहने वालों को और अपने दर्शकों से? नहीं, मुझे लग रहा है तमाम बातें हो गई हैं इससे, और इतना वो भी नहीं हो कि मैं सुझाव दूं, क्योंकि मैं अभी सुझाव ले रहा हूं किसी और से, सीनियरों से सीख रहा हूं, सुझाव देने लायक तो नहीं हुआ हूं मैं अभी, लोगों से सीख रहा हूं, बहुत सारे सीनियरों से सीख रहा हूं। तो ये जरूर कहूंगा कि सीखना कभी बंद ना करें, जीवन में सीखते ही रहना है, तो वो एक एक स्टेप बढ़ेगा। कोई भी गुरु मिल सकता है आपको, कोई भी सीनियर है, भैया है, भाई है, आपके प्रोफेशन सीनियर, आप उनका हाथ पकड़ लो, पैर पकड़ लो, बोलो कि सर, भैया, दादा, आप मुझे ये बता दो, जो नहीं जानते तो हमेशा निरंतर प्रयास करते रहो आप सीखने का, जो मैं कर रहा हूँ, चलते रहे। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला, हमसे बातचीत की। उम्मीद करता हूँ कि पंचायत 3 पीछे है, 4 भी आए, 5 आए, 6 में आए, जगमोहन पूरी दुनिया में जगमगाते रहे और सबके दिलों पे राज करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी बॉलीवुड एक्टर्स और बॉलीवुड से गॉसिप्स की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए शख्सियत के साथ, और विशाल यादव की तरह एक नए सेलिब्रिटी के साथ बातचीत करेंगे, उनके मन को टटोलेंगे और जानेंगे कि उनका संघर्ष और सफलता के बीच के रास्ते में कितना वक्त लगा और क्या क्या सीखे, उनसे हम आप क्या सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच सर अगेन। फिल्मेनिया, जिंदगी, जज्बात और सिनेमा।